हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप क्यों रो रहे हो बेटा? क्या हो गया? लगता है बच्ची खो गई। आप लोगों में से किसी ने इसके माँ-बाप को देखा? हमने तो नहीं देखा। ऐसे ही अकेले छोड़ दिया एयरपोर्ट पर इतनी छोटी सी बच्ची को। चलिए मैं इसको बुला के लाऊं। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। Passengers on flight 3102 Mumbai Dubai are requested to proceed for immigration check. अरे बेटा, अरे कौन? अरे कितनी प्यारी बच्ची है। अच्छा ये बताओ आप यहाँ पर अकेली हो? अच्छा बेटा अपना नाम बताओ। हाँ अरे बेटा आपको बैग बहुत प्यारा है, जरा दिखाओ ना एक बार, एक बार, एक बार प्लीज प्लीज बेटा। हेलो हेलो, यहाँ पर ए होस्टेस लीना को भेजो जल्दी। अटेंशन प्लीज, एक 5 साल की छोटी बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। उसने लाल रंग का फ्रॉक पहना है। उसके माता पिता कृपया करके फौरन इंक्वायरी काउंटर के पास आ जाए। अरे लीना संभालो इस बच्चे को, देखो अगर तुम्हें कुछ बता सके तो। अरे वाह बेटा, आपकी ये ड्रेस तो बड़ी प्यारी है। पता है क्या, इसमें आप बिल्कुल बेबी डॉल की जैसी लग रही हो, है ना? अच्छा बेटा, आपको आपके मम्मी पापा के पास जाना है ना? जाना है ना, मैं आपको लेके जाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे आपका ये बैग देना होगा, ठीक है ना? वेरी गुड। सर, इसका नाम तानिया है और ये मुंबई से आई है। फ्लाइट नंबर CU8017। लाओ मुझे बोर्डिंग पास दिखाओ। सर इतनी छोटी बच्ची है, क्या करे, आखिर कब तक ये एयरपोर्ट पर रहेगी? उसके लिए एक ही चारा है, उसे मुंबई भेज दो और मुंबई एयरपोर्ट पर इन्फॉर्म कर दो पुलिस को और मैनेजर को, वो लोग जो है इसके परिवार वाले को ढूंढ निकालेंगे। और लीना तुम उस बच्ची के साथ भी जाओगे। देखो तानिया, अब हम मुंबई पहुंच गए हैं और बहुत ही जल्द तुम अपने मम्मी डैडी के पास होगी। पक्का पहुंच गए ना आंटी? हाँ बेटा पहुंच गए हैं, अब तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश, सब बहुत अच्छी आंटी हो, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी। ओके। आंटी एक प्रॉब्लम है। ये भी कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें वॉशरूम जाना है ना, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेके चलती हूँ। आंटी जल्दी चलिए, फास्ट, मुझे जोश लगी है। अरे जा रहे। अच्छा बाबा मैं यही रुकती हूँ, तुम जाओ और जाके आओ। एक्सक्यूज मी, मेरी सहायता कर दो। ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी फ्लाइट 9 नंबर गेट से जाने वाली है, प्लीज बता दो वो कहाँ है। यस मैम। मैम आपको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और एंड में जाके आपको लेफ्ट टर्न लेना है, वहीं पर गेट नंबर 9 है और आपको आपकी ये फ्लाइट वहीं से बोर्ड करनी है। थैंक यू सो मच, वेलकम, बाय। सेफ जर्नी, बाय। ये तानिया अभी तक आई क्यों नहीं? तानिया, 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 एक्सक्यूज मी, आपने किसी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर देखा है? तकरीबन इतनी थी, उसने उसने लाल रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। जी नहीं, मैंने किसी बच्ची को यहाँ नहीं देखा। ओह माय गॉड, मैनेजर सर को इन्फॉर्म करना होगा। सर वो क्या हुआ, तान्या कहाँ है? ये तान्या के माता पिता है। तान्या, तान्या खो गई है। खो गई? अरे ऐसे कैसे खो गई?
मेरी बच्ची वापस चाहिए। हाँ, और कहाँ है मेरी तानिया? जवाब दो लीना, जब तानिया तुम्हारे साथ थी तो ऐसे कैसे खो गई? मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद तानिया को वॉशरूम में जाना था, मैं उसे वॉशरूम लेकर गई, लेकिन जब कुछ समय तक वो बाहर नहीं आई तो मैंने अंदर जाके चेक किया, लेकिन तानिया वहाँ नहीं थी। तुमने सारे वॉशरूम चेक किए थे? हाँ सर, लेकिन कुछ बंद थे इसीलिए। हमें सब चेक करने होंगे, हो सकता है वो लॉक हो गई हो या बेहोश हो गई। राइट, जल्दी कम ऑन। सर ये दरवाजा अभी भी बंद है सर, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। खुल नहीं रहा, तोड़ना पड़ेगा दरवाजा प्लीज। जी किसी के रोने की या चिल्लाने की आवाज सुनी थी आपने? नहीं सर, अगर कोई चिल्लाता तो हमें तुरंत पता चलता। किसी को यहाँ से एक छोटी सी बच्ची को ले जाते हुए देखा? हाँ? नहीं सर। सर। हाँ? सर इसके गले पे ये निशान देखिए, लगता है गला घोट कर मारा गया है इसे। लेकिन किसी ने इसके चीखने या चिल्लाने की आवाज सुनी कैसे? नहीं, या तो खूनी पहले से इस वॉशरूम में छुप के बैठा होगा, या फिर इस औरत के पीछे पीछे जबरदस्ती इस वॉशरूम में घुस गया होगा और इससे पहले कि औरत चिल्लाती इसका खून कर दिया। सर इसका नाम मंजली है सर, दिल्ली से आई थी। दिल्ली से? हाँ सर, सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी उसी फ्लाइट से आई थी जिस फ्लाइट से वो बच्ची तानिया को दिल्ली से मुंबई लाया गया था। ओ, ये औरत भी तानिया की फ्लाइट में थी। इस औरत को आपने फ्लाइट में देखा था तानिया के आसपास कहीं? नहीं सर, मैंने तो उस औरत को पहले कभी भी नहीं देखा था। सोच के बताओ, ठीक से याद करो, शायद तुमने इस औरत को दिल्ली एयरपोर्ट में कहीं देखा। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने उसे पहले नहीं देखा था। इस औरत का नाम मंजली है, आप पहचानते हैं इसे? नहीं सर। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज आप मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए सर, ढूंढ निकालिए। देखिए प्लीज, आप टेंशन मत लीजिए, हम किसी भी हाल में तानिया को ढूंढ लेंगे, मगर आपको CID ब्यूरो आना पड़ेगा। ये तानिया इस वॉशरूम से गायब हुई है और ये मंजली भी इसी वॉशरूम में मारी गई। हो सकता है जिसने तानिया को किडनैप किया उसी ने मंजली को मारा। सर ये टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला है, शायद मंजली का ही होगा। ओह, जाते जाते खूनी मोबाइल भी तोड़ गया। एक काम करो श्रेया, इस मोबाइल को रिपेयर करवाओ और पता करो ये मंजली कौन है। इस एयरपोर्ट में जितने CCTV कैमरास लगे हैं उन सबकी फुटेज चेक करते हैं। चलो एग्जिट नंबर 1 के पास जो वॉशरूम है वहां का फुटेज देखना हमें। एक मिनट स्टॉप, पॉज करो, इसे रिवाइंड करो, पॉज करो इसे। ये बच्ची शायद तानिया है इस औरत के कंधे पे। सर लेकिन ऐसा लग रहा है तानिया सो रही है, बाथरूम में जाके तानिया सो कैसे गई? नहीं श्रेया, लगता है इस औरत ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर इस बच्ची को बेहोश कर दिया है। ये औरत पूरी तैयारी के साथ आई थी। तानिया के माँ बाप को बुलाओ, जरा जूम करो उसके चेहरे पे। नकाब वाली औरत का चेहरा कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आइए ये देखिए। हाँ सर, हाँ, ये फ्रॉड सर, ये फ्रॉड तानिया की फ्रॉड। हाँ, सिर्फ एक घंटा हुआ है, ये औरत इस बच्चे को लेके ज्यादा दूर नहीं गई होगी। श्रेया
सारे पुलिस स्टेशन और चेकनाका के ऑफिसर्स को चौंकाना कर दो। उनसे कहो कि एक एक गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लें। छोटी सी बच्ची है और नाक में दम कर रखा है, अगर मेरे हाथ नहीं आए तो सारा प्लान चौपट। कहाँ गई होगी ये बच्ची? तुम्हारी लुका छुपिया खत्म। चलो मेरे साथ, चलो। मम्मी पापा नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। चलो शांत हो जाओ। तानिया अपनों को जल्दी वापस मिल जाएगी। देखो सीआईडी है ना, सब ठीक कर देगी। देखिए आप रोइए मत, हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं अपनी बच्ची का ख्याल रखने की? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप लोग? अपनी बच्ची को दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़कर आए? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हम मानते हैं सर, सब गलती हमारी है। जो कुछ भी हुआ सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है सर। लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ सर, आप प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढ निकालिए सर। प्लीज अब हाथ मत जोड़िए, बताइए सब हुआ कैसे, क्यों हुआ ये? मैं बताता हूँ सर। अब हम करीब 15-17 लोग दिल्ली एक शादी के लिए गए हुए थे। शादी से लौटते वक्त तानिया दिल्ली एयरपोर्ट पर दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगी और हम लोग थोड़ा सा बातों में उलझ गए। हमें लगा तानिया उन्हीं बच्चों के साथ खेल रही होगी और ये लोग फ्लाइट में बैठ गए और निकल आए मुंबई, है ना? थैंक यू सर। सर इस एयर होस्टेस को किसी पर शक नहीं, किसी पर भी नहीं। नहीं सर। कोई बात नहीं, इसे रख लो हमारे साथ, क्योंकि आखिरी बार तानिया को देखने वाली यही थी। दिल्ली से मुंबई तक उसकी जिम्मेदारी इसी पर थी। ये देखिए सर फैक्स। मंजली पुलिस लॉकअप में रह चुकी है। हाँ सर, चेन स्नैचिंग और छोटी मोटी चोरी के केसेस थे इसके खिलाफ। सचिन, तानिया जिस फ्लाइट से मुंबई आई उस पर जितने भी पैसेंजर्स थे उनकी पूछताछ की? हाँ सर, सारे पैसेंजर से पूछताछ की सर, लेकिन किसी का भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हेलो, ओके ठीक सर। सर मंजली का फोन रिपेयर हो गया। लिख रहा हूँ सर। सर मंजली का फोन। ये क्या, मंजली के फोन में तानिया का फोटो? श्री मंजली एयरपोर्ट पे तानिया की फोटो क्यों खींचेगी? वही तो, ये देखो एमएमएस करके भेजा है तानिया का फोटो इस नंबर पर 1673672200। सचिन पता लगा ये किसका नंबर है। जरूर तानिया इसी शख्स के पास होगी, पर जल्दी करो हमारे पास वक्त बहुत कम है। हेलो, क्या? ठीक, मैं इसी भी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। सर सब पुलिस पेट्रोल वैन से फोन था। सर एयरपोर्ट रोड पे एक बच्चे का बैग मिला है। एयरपोर्ट रोड पे बच्चे का बैग मिला है? अगर ये बैग तानिया का है तो हम तानिया तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे। इंस्पेक्टर केतन सर, ये रहा वो बैग, शायद तानिया का हो। कहाँ से मिला ये तानिया का बैग तुम्हें? वो वहाँ पर सर। मतलब अभिजीत तानिया को यहीं से ले जाया गया है। विनीत, तानिया के माता पिता को बुलाओ, उस एयर होस्टेस को भी।
क्या ये बैग तानिया का ही है? नहीं सर, ये तानिया का बैग नहीं है। सर, ये तानिया का ही बैग है। ये क्या कह रही हैं आप? सर, तानिया का बैग रेड कलर का जरूर था, लेकिन ये तानिया का बैग नहीं है सर। मैम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये बैग तानिया का ही बैग है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कहती हैं कि ये तानिया का ही बैग है? सर, दिल्ली एयरपोर्ट पर जब उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, तब से एक मिनट के लिए भी मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, और ये बैग हर वक्त उसके साथ था। अच्छा ठीक है, आप तीनों गाड़ी में बैठ जाइए। ये भगवान जी, उस गंदी आंटी से मुझे बचा लो भगवान जी, मुझे अपने पापा से मिलवाओ भगवान जी, प्लीज भगवान जी, भगवान जी प्लीज भगवान जी। चलो मेरे साथ। आप कौन हो? चलो मेरे साथ। इस बैग का और मंजली के खून का कोई ना कोई संबंध है। नाकाबंदी जारी है? यस सर, यहाँ से जाने वाली सारी गाड़ियों को हमने चेक कर लिया है, लेकिन तानिया नहीं मिली। सर, नाका क्रॉस नहीं किया है और बैग यहीं पे मिला है, मतलब वो लोग यहीं कहीं आसपास ही होंगे सर। अभिजीत, सारा इलाका जान मारते हैं। कमल, उसका नंबर दीजिए 1673672200। मंजली ने तानिया की फोटो MMS करके कमल को ही भेजी है। कमल का नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। अब कमल तक पहुंचेंगे कैसे? जिसके पास जा रहे हैं वही पहुंचाएगा कमल तक। क्या कर रहे हो? मेरे घर में मेरे परमिशन के बगैर कोई नहीं आ सकता। मेरा घर घर है, कोई इंक्वायरी काउंटर नहीं। मिस्टर हेचू, आपको हमने परेशान किया, उसके लिए हम सब आपसे माफी चाहते हैं। चलो भाई, चल के एसीपी साहब को कह देते कि ढेचू बहुत बिजी है और CID की मदद नहीं कर सकते। अरे सुनिए, मैंने मदद करने से कब मना किया? बोलिए क्या काम है? कमल नाम के आदमी का पता लगाना है। और ये कमल का मोबाइल नंबर है जो अब सेवा में नहीं है। जो अब सेवा में नहीं है, तो इसमें मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखा, मुझे मालूम था कमल का पता लगाना ढेचू के बस की बात नहीं है। चलिए हम ही ढूंढ निकालते। पूरी जिंदगी लालटेन लेकर भी ढूंढते रहोगे ना, तो भी कमल को नहीं ढूंढ पाओगे। उसे तो सिर्फ एक ही आदमी ढूंढ सकता है, और वो है ढेचू, सिर्फ ढेचू। आइए चलिए। देखा, 15 मिनट से हम ढेचू के पीछे पीछे चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये हमें कहां लेके जा रहे हैं। देखा आपने, ढेचू ने उस गजरे वाले को सीटी मारी। देखा मैंने, तमीजी कर रहा है। ढेचू, शर्म नहीं आती तुम्हें? हां, क्या कर रहे हो? सीटी मार रहा हूं, ये देखो। जाने मन, मेरी बात मान ले। जाने मन, लोफर कहीं का, क्यों मालूम है तुम्हारी बात? ढेचू, आए हाय, इतना प्यार से मेरा नाम लेती हो ना, ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों में किसी ने अमृत घोल दिया हो। ढेचू, क्या कर रही हो तुम? एक राह चलती लड़की को छेड़ रहे हो तुम? जानते हो ये एक अपराध है? राह पर नहीं चलती सर, ये तो मेरे दिलो दिमाग में दौड़ती है। ढेचू, कौन है? ये वो है सर जिसका मैं बनने वाला हूँ पति। नाम है इसका रूपवती। सर 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 सर, क्या हुआ सर? ऐसा लग रहा है सर जैसे भूकंप आ गया। मुझसे जलने वालों के तीरों दिमाग पर तो ऐसे ही भूकंप आता है। ढेचू जी, हम यहाँ कमल का पता लगाने आए थे, आपकी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं आए। सर, रूपा ही हमें कमल तक लेकर जाएगी, ये भी मेरी तरह ही एक बेहतरीन खबी है, इसीलिए तो मैं आप लोगों को इसके पास लेकर आया हूँ। ये कमल कहाँ मिलेगा?
कल तुम्हारी बारी। से सोया नहीं, सुबह से कुछ खाई नहीं है। इस लड़की को कभी देखा है क्या? सर, इस आदमी ने देखा इस बच्ची को? हाँ सर, कल रात को चंदन के साथ देखा था। चंदन? ये चंदन कहाँ रहता है? आगे से दाएं मुड़कर पतली गली में घुस जाना, वहाँ किसी से भी पूछेंगे तो बता देगा चंदन की खोली। चलो थैंक्स। पतली गली, ये चंदन यही कहीं रहता होगा, चेक करो। रोगी सर, कोई ऊपर से रोटी फेंक रहा है। ये तानिया इसी घर में होगी, चलो। दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है सर। कोई बात नहीं, विचारो। अरे बच्चे, अरे आप कौन है? क्या नाम है आपका? तानिया। तानिया, आपका नाम क्या है? मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से, और ये इंस्पेक्टर रजत। लगता है चंदन किडनैपिंग का रैकेट चला रहा है। बच्चों घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं, आप चलो हमारे साथ आओ। अंकल। हाँ बेटा, दया अंकल आ जाओ बेटा, हम तुम्हें आपकी मम्मी डैडी के पास ले चलते हैं, ओके? सर इन बच्चों को भी ऊपर बंद करके रखा था। चंदन तो बहुत ही खतरनाक आदमी। फिर काम करो, इन बच्चों को भी और लेके जाओ, तब तक हम इस चंदन का ही इंतजार करते हैं। चलो चलो चलो, बाहर से बंद कर देना। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? सवाल तो हम पूछेंगे तुमसे। बोल, क्यों अगवा किया था बच्चों को तुमने? क्या यही वो खोली है जो रूपवती ने बताई थी? हाँ सर, यहीं पर उसका घर है सर। ये देखो, B76। एक मिनट, कमल हमें हर हाल में चाहिए, और वो भी जिंदा। भागना नहीं चाहिए वो। सर, दरवाजा तो खुला है सर। हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो। सर यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर काम कर, घर की तलाशी लो अच्छी तरह से, देखो क्या मिलता है। ये देखिए, कमल का ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ फोटोग्राफ मिली है। भेजू जी, बड़ा दावा किया था लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिला। कमाल करते हैं आप भी, कैसे कुछ भी नहीं मिला? कमल का घर मिला,
उसका फोटो मिला, और क्या चाहिए आपको? उसका घर मिला और उसकी फोटो मिली, और अब इस कमल का मिलना भी बहुत जरूरी है। अगर वो दूध की बोतल नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे परेशान मत हो यार, मिल जाएगी। बस हमें उस लड़की को ढूंढना होगा, बस। या तो फिर उस कमल को, वो भी तो ना जाने कहां मर गया। पर यार अगर उस लड़की ने उसे दूध समझ के पी लिया होगा तो? तानिया मेरी बच्ची कहां चली गई थी बेटा, तू मम्मा को माफ कर दे। सर मेरी बात सुनो, सर 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 प्लीज मेरी बात सुनो। हां तुम्हारी बात सुनने के लिए यहां पर लेकर आए तुम्हें, मगर सच बात समझे। बताओ कितने लोग हैं तुम्हारे गैंग में, किसने कहा तुम्हें बच्चों को किडनैप करने के लिए, बताओ। सर सर मैं कोई किडनैपर नहीं हूं, मेरी कोई गैंग नहीं है सर, मैं किसी बच्चे को अगवा नहीं किया है। नहीं नहीं, ये तो बड़ा भला इंसान है, बच्चों की देखभाल करता है। हाँ सर, जब भी कोई बच्चा लापता तकलीफ में दिखता है तब मैं उसकी मदद करता हूँ सर, उसको वापस उसके परिवार तक पहुंचाता हूँ सर। तो फिर इन लापता बच्चों की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई पुलिस में? सर सर इन सभी बच्चों की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की है सर। सर सर जब भी पुलिस स्टेशन से पता चलता था उनके परिवार वालों का तो मैं खुद जाकर उनको पुलिस स्टेशन में देता था सर। पता लगा लेंगे हम कि तुम कितना सच बोलते हो, लेकिन एक बात बताओ क्यों करते हो तुम ये सर? सर सर 2 साल पहले मेरा बच्चा बाजार में खो गया सर, आज तक नहीं मिला सर। माँ बाप से बच्चा बिछड़ने का दर्द मैं अच्छी तरह से समझता हूँ सर, फिर इसलिए कर रहा सर। मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो, जाइए। थैंक यू सर। एक काम करो, तानिया को छोड़कर इन सारे बच्चों को उनके माता पिता के पास लेकर जाओ। चलो बच्चों चलो घर चलते हैं, चलो आ जा बेटा, आ जा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टाटा। तानिया मैडम आइए, जरा हमारे पास भी आओ, हैं बैठो, गप्पे मारते हैं आपके साथ। बड़ा प्यारा ड्रेस है आपका, आप भी प्यारी है। इस बैग को देखो, कि ये बैग तुम्हारा तो नहीं? ये मेरे पास था लेकिन ये मेरा नहीं है। आपकी बैग भी बिल्कुल ऐसी थी। वैसे बेटा ये बताओ कि आपका बैग आपसे कौन ले गया, आपको कुछ याद है? नहीं अंकल। नहीं बोल रहा, चलो ठीक है। अच्छा बताओ जब तुम दिल्ली से मुंबई आई, प्लेन से आई थी ना करके, है ना, तो जब तुम मुंबई एयरपोर्ट उतर गई और फिर वहां तुम बाथरूम में गई तब क्या हुआ, कुछ याद है तुम्हें? जब मैं बाथरूम में से निकल रही थी तो किसी ने अपने आंखों से मेरे मुंह पे ऐसे कर दिया तो मैं सो गई। क्लोरोफॉर्म से कुछ लगाया आपके मुंह पर, बैड अंकल होगा वो, कोई बैड आदमी होगा। वैसे तो तुम्हें बहुत कुछ याद है बेटा, बहुत कुछ याद है। अच्छा ये बताओ नींद से जागने के बाद क्या हुआ? बच्ची तो हमें मिल गई, पर उस दूध की बोतल का क्या करें? ये क्या पूछती हो, उस बच्ची से पूछो ना। तुम्हें पता है ना कि हमने उसे बेहोश किया है? दूध की बोतल तो उस बैग में थी और बैग ही गायब है। मर गए, बॉस को फोन है, क्या जवाब दे उन्हें? बॉस को जवाब तो देना होगा ना, वरना वो हमें मार डालेंगे। हेलो जी 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 बॉस, और दूध की बोतल तो उस बच्ची के पास नहीं है जी जी, बच्ची तो हमारे पास है और कार में पीछे बेहोश है जी जी।
लेकिन सर तानिया के बैग में तो दूध की बोतल थी ही नहीं। आपने तानिया के बैग में दूध की बोतल नहीं रखी थी? नहीं सर, एक्चुअली तानिया बोतल से नहीं अपने एक फेवरेट मग से ही दूध पीती है। ओ, इसका मतलब है सचिन कि दूध की बोतल में कुछ तो था, कुछ ऐसी चीज जो उस किडनैपर को चाहिए थी। लेकिन सर दूध की बोतल में ऐसा क्या हो सकता है? वही तो सचिन, वो दो फोटोग्राफ लेकर आओ कमल और मंजिल के, तानिया को दिखाते हैं। तानिया बेटा, इन दोनों फोटोज को ध्यान से देखो और बताओ इन आंटी को आपने पहले कभी देखा है? मैंने आंटी को नहीं देखा, इस बैड अंकल को देखा है। इस बैड अंकल को देखा है तुमने? कहाँ देखा बेटा? पकड़ो से। थैंक यू तानिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप एक बहुत ही बहादुर और होशियार लड़की हो। थैंक यू। अब आप अपनी मम्मी के पास जा सकती हैं। बाय बाय डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू। सचिन, इस मंजली और कमल दोनों की कुंडली निकालो। सर, एयरपोर्ट से तानिया जब गायब हुई उसके एक दिन पहले सर कमल जेल में किसी को मिलने गया था। जेल में मिलने गया था? हाँ सर, और उसके कुछ ही घंटे बाद सर मंजली भी गई थी सर जेल में किसी को मिलने। सर पहले कमल और फिर मंजली, इसका मतलब है दोनों बारी बारी किसी एक ही आदमी से मिलने गए थे। एक ही आदमी से, मगर किसे किसे मिलने गए थे वो तो पता चल जाएगा सर। बस मुझे एक घंटी का इंतजार है सर। घंटी? कैसी घंटी? बज गई सर, घंटी बज गई। बोल पकिया। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, अपन शाम को मिलते हैं। ओके बाय। पैर खेचू ने सर पता लगा लिया सर कि कमल और मंजली दोनों ही जेल में कल्लू को मिलने गए थे। कल्लू? वो गैंगस्टर जो बैंक लूटने के चक्कर में जेल में सजा काट रहा है? हाँ सर, वही कल्लू लुटेरा सर। और सर कल वो जेल से छूटकर बाहर आ गया सर। क्या, कल्लू कल ही जेल से छूटा है? और सर ये कमल और मंजली दो दिन पहले ही कल्लू से मिलने के लिए गए थे जेल में। अजीब बात है सर। कोई अजीब बात नहीं सचिन, बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये कमल, मंजली और कल्लू, इन तीनों का उस दूध के बॉटल के साथ कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध है। एक बार ये कल्लू मिल जाए ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा ये सारा चक्कर क्या है। हाँ हाँ बोल, लिख रहा हूं। 6549 8076 6549 8076। थैंक यू सर, कल्लू का नंबर मिल गया। अरे पूर्वी, तुमने कमल का सिम कार्ड चालू करवाया? जी सर, सर इस फोन में डाल दीजिए। ग्रेट, तो जा कमल बनकर इस फोन से कल्लू को फोन करो, देखते हैं क्या कहता है। तो स्पीकर ऑन रखना। भाई कमल, तू ये कीचड़ से उठा कर ऐशो आराम की जिंदगी थी, तू तू मेरे सर पर चढ़कर बैठ गया। उससे बगावत करने चला था तू, मुझे धोखा देगा तू? नहीं मैं क्या, ओए कल्लू भाई को उल्लू बनाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मेरी बात सुन, सब सुनूंगा, देखूंगा भी तुझे। मठ गली के पीछे वाले रास्ते में आ जाना आधे घंटे में तू, अगर मठ का बच्चा है तो। कल्लू तो नाराज है कमल से। सर इस फोन कॉल से दो बातें साफ, एक ये कमल कल्लू के लिए काम करता है और दूसरा कल्लू को ये पता नहीं है कि कमल कहाँ है। बस अब इस कल्लू से मिलते हैं। कल्लू से अरे राजू ये लोग कौन है? कल्लू भाई, मुझे लगता है कि कमल ने आपको मरवाने के लिए आदमी भेजा है। कमल ने? अभी इनको मजा चखाता हूं, चलो आओ।
ये अंदर क्या बैठो? हिम्मत है तो बाहर निकलो। इस कल्लू भाई का सामना करो। कल्लू महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल्लू महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें तो पता ही नहीं था कि कमल ने हमें आपको पीटने के लिए भेजा। देखा, कल्लू भाई का नाम सुनते ही हवा टाइट हो गई। चल जा, तुझे माफ किया, पर पहले वो दूध की बोतल क्या है दे। क्या कल्लू भैया, इतने बड़े होके भी बोतल में दूध पीते हो? क्या बचपना है ये? मजाक कर रहा मेरे साथ? बहुत पछताएगा तू। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों है? जब कल्लू भाई ने कहा कि मजाक मत करो तो मजाक मत करो। ठीक है सर, मजाक नहीं करते, बस ये सीधे सीधे बता दें कि दूध की बोतल का राज क्या है। ये क्या कर रहा तू मेरे साथ? तेरी इतनी हिम्मत? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अबे तू जानता नहीं है हम लोग कौन है? उल्लू के पट्टे। सीआईडी का नाम सुना है कभी? सीआईडी? बता, दूध की बोतल का राज क्या है? बता जल्दी। जिंदगी की रेस में भी हार गए। तुम्हारा खेल खत्म हो गया कल्लू। बताओ ये दूध की बोतल का क्या चक्कर है? साहब, उस दूध की बोतल में एक अलग किस्म का केमिकल मिला हुआ है। कैसा केमिकल? एक्चुअली हमारे पास साहब आर्ट गैलरी का एक पुराना नक्शा है, उसको देखने के लिए वो केमिकल की जरूरत पड़ती है साहब। जैसे ही वो केमिकल उस नक्शे पे गिरेगा, वो नक्शा दिखने लगेगा साहब। अच्छा, है क्या उस नक्शे? साहब, उस नक्शे में एक खुफिया रास्ता है साहब, जो बहुत सालों पहले उस आर्ट गैलरी में बनाया गया था। हम उसी खुफिया रास्ते के सहारे कीमती मूर्ति चुरा कर भागने वाले थे साहब। ऐसे केमिकल का जुगाड़ तुम लोगों ने कहां से किया? वो साहब, दिल्ली में हमने एक साइंटिस्ट को धमका कर उससे ये केमिकल बनवाया था साहब। वो दूध की बोतल गायब कैसे हो गई? वही तो सब गड़बड़ हो गया। प्लान के मुताबिक मैंने ही कमल और मंजलि को वो दूध की बोतल लाने के लिए भेजा था। उन दोनों ने तानिया पर नजर भी रखा था, पर पता नहीं कैसे कोई प्लान भी बनाकर वो दूध की बोतल हम तक पहुँचने से पहले ही उसको गायब कर दिया। तो गैलरी का नक्शा कहाँ है? वो नक्शा तो साहब मेरे लॉकर से चोरी हो गया। चोरी हो गया? जी साहब, कमल के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता साहब, सिर्फ वही जानता था मेरी लॉकर की चाबी के बारे में। नक्शा कमल के पास है और शायद वो केमिकल भी, तो जरूर वो आर्ट गैलरी ही जाएगा। आर्ट गैलरी ही चलते हैं। एहसान फरामोश, मैंने तुझे भरोसा किया, कल्लू के लॉकर से निकाल कर नक्शा तुझे दिया, और तूने क्या किया? वही किया जो तूने कल्लू के साथ किया, धोखेबाजी, दगाबाजी। ये दूध की बोतल मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही निकाल ली थी। जब ये दूध जैसा सफेद केमिकल नक्शे पर गिरेगा तो नक्शा भी अपना
असली रंग दिखाएगा। चमत्कार, मिल गया मुझे, मिल गया खजाने को लूट कर बाहर निकलने का रास्ता, मिल गया मुझे। नहीं बचेगा तू, अब तू नहीं बचेगा। मैं सबसे कह दूंगा कि तू दगाबाज है, अब तू नहीं बचेगा। गैलरी के जिस कमरे में वो मूर्ति रखी गई है उसका खुफिया दरवाजा यही है। तुम दोनों रुको, हाँ हम लोग मूर्ति लेके आते हैं। किसी को भी बाहर मत जाने देना, ओके? लेकिन पूर्वी तुम लोग इधर से जाओ, पीछे से। निखिल को फोन करो जल्दी। निखिल बात सुनो, मूर्ति वाले कमरे में खुफिया रास्ता है। पूर्वी कहाँ है? पूर्वी यहाँ है। तुम छोड़ दो मेरे आदमियों को, वरना तुम्हारी ये ऑफिसर जो कि दो पैरों पर यहाँ पर आई है, चार कंधों पर अपने घर जाएगी। ए! गन ड्रॉप करो। सर, सर आप मेरी परवाह मत कीजिए। लेना, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप पूर्वी को छोड़ दो। इंस्पेक्टर अभिजीत, तुम एक जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर हो, और तुम्हारी एक जिद की वजह से तुम्हारे एक साथी की जान चली जाए, ऐसी बेवकूफी तुम बिल्कुल नहीं करोगे। राइट, बंदूक नीचे करो, फास्ट बैग दो। बैग दो, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। एक सीआईडी ऑफिसर को उसकी जिम्मेदारी सिखाने की जरूरत नहीं है मैडम। मेरा भाई हीरा कल्लू के साथ जेल में सजा काट रहा था, और वहीं उसे कल्लू के प्लान के बारे में भी पता चला। तो फिर तुमने दूसरा प्लान बनाया, प्लान बी। वो केमिकल वाली बोतल कब बदली तुमने? दिल्ली एयरपोर्ट पर जब कल्लू के आदमी ने देखा कि तान्या अपने माता पिता से बिछड़ गई है,
तो उसने मौके का फायदा उठाकर ताना के बैग में वो बॉटल डाल दिया और फिर मैंने कल्लू के आदमी को ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया और फिर मैंने अपने आदमियों से मंजरी का खून करवा दिया जो कि बाथरूम में तान्या के बैग से दूध की बोतल निकालने गई थी और कमल को मालूम था कि गैलरी के खुफिया रास्ते का नक्शा किस लॉकर में है इसलिए मैंने उसे भी ज्यादा पैसों का लालच दिया और नक्शा हासिल कर लिया। मगर कमल तो तुम्हारा साथ दे रहा था ना, तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि वो नक्शा देने के बाद हमें ब्लैकमेल करने लगा था, इसीलिए मजबूरन उसे भी खत्म करना पड़ा। खेल तो अब तुम्हारा भी खत्म हो चुका है एयर होस्टेस लीना। अब तुम्हारी आखिरी फ्लाइट जेल में ही उतरेगी। ये लो। ये मेरे लिए मेडल? बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है ये मेडल। सीआईडी टीम की तरफ से तुम्हारे लिए ये एक प्यार भरा तोहफा है। पता है क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ही बहादुर और होशियार लड़की हो जो उस औरत की चंगुल में से भाग निकली। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड वी लव यू। सर, आपने हमारी बच्ची को बचा लिया, आपकी बहुत मेहरबानी है। अरे नहीं नहीं प्लीज, ऐसा मत कहिए, ये तो हमारा फर्ज है, फर्ज था और फर्ज रहेगा, है ना? आप सभी लोगों से एक विनती है कि अगर आप अपने बच्चों को कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं तो उन पर नजर रखिएगा, फिर चाहे वो आपके रिश्तेदारों के साथ हो या फिर दोस्तों के साथ घुल मिल गए हो, फिर भी नजर जरूर रखिएगा। हाँ, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।